बसमिल्लाम वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद लुफ्फुल्लह क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एज यू मे रिसीव मोर वीडियोस फ्रॉम दिस चैनल वी आर गोइंग टू लर्न रीडिंग टेक्स्ट थ्री इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर क्लास के रीडिंग टेक्स्ट थ्री के बारे में पढ़ेंगे दिस टेक्स्ट बिलोंग्स टू इंग्लिश बुक वन ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर पब्लिश बाई सिंध टेक्सट बुक बोर्ड जामशोरू रीडिंग टेक्स थ्री इज़ इंटाइटल्ड एज द यूनाइट नेशंस रीडिंग टैक्स थ्री का अनवान द यूनाइट नेशन्स है द यूनाइट नेशंस को उर्दू में अवाम मतहद कहते हैं इस रीडिंग टेक्ट में हम अतहद के बारे में कुछ बातों को जानेंगे इस वीडियो का मकसद रीडिंग टेक्स्ट थ्री में मौजूद तमाम मालूम को मुख्तर तौर पर जमा करना है सो वी शल डिस्कस ओनली इम्पार्टेंट पॉइंट्स इन द टेक्स्ट। हेर आर दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नंबर वन इंट्रोडक्शन नंबर टू हिस्ट्री नंबर थ्री स्ट्रक्चर नंबर फोर फंक्शन हम इन चार चीज़ों पर फोकस करेंगे सबसे पहले के अवाम मतहद क्या है उसका तारफ़ इंट्रोडक्शन नंबर दो उसकी हिस्ट्री या तारीख को जानेंगे नंबर तीन स्ट्रक्चर यानी बनावट नंबर चार उसके काम या फंक्शन के बारे में बात करेंगे आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी तारफ़ को देखते हैं द यूनिट नेशन्स इज़ एन इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन अवाम मत एक बैनी अदारा है बैन अवी अदारा उसारे को कहते हैं जिसमें दुनिया के बहुत सारे ममालिकामिल हों तो यूनाटेड नेशन्स किसी एक मुल्क का अदारा नहीं बल्कि ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों का अदारा है द मैन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रिवेंट वार एंड मैंटेन पीस इन दर्ल्ड इस अदारे का सबसे अहम या असल काम जंग को रोकना है और दुनिया में पायदार अमुन कायम करना है इस बड़े मकसद को हासिल करने के लिए ये अदारा कुछ और काम भी सर अंजाम देता है

जिस वक्त दुनिया में समाजी और मुशी मसाइल बढ़ जाते हैं तो लोग जंग की तरफ आते हैं इसलिए ये इदारा दुनिया से समाजी और मुशी मसाइल ख़त्म करने के लिए मुल्कों की मदद करता है जिन मुल्कों में मुशी और समाजी मसायल बढ़ जाते हैं ये इदारा उन मुल्कों को ताउन फराहम करता है इन मसाइल में गुर्बत जहालत भूख और बीमारी शामिल हैं इन सारे मसाइल को ख़त्म करने के लिए ये इदारा मुल्कों की इमदाद करता है हिस्ट्री ऑफ द यूनाइट नेशंस आइए अब यूनाइट नेशंस की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं द यूनाइट नेशनस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन अप्रैल नाइनटीन फोर्टी फाइव बुनियाद अप्रैल उन्नीस सौ पैंतालीस में डाली गई और इसका मसवदा छब्बीस जून उन्नीस सौ पैंतालीस को साइन हुआ चौबीस अक्टूबर से इस पर अमल हुआ सो यू एन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर एवरी ईयर इसलिए चौबीस अक्टूबर को हर साल यू एन डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है द वर्ल्ड War टू inspired इट्स फाउंडेशन हकीकत में सेकेंड वर्ल्ड वार यूनाइटेड नेशंस के बनने की वजह बनी सेकंड वर्ल्ड वार या दूसरी जंग अजीम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर हम इसके बारे में मुख्तर सी बात करेंगे इस वीडियो में हम बताएंगे कि वर्ल्ड वार कब हुई और दुनिया पर इसके क्या असर पड़े ऐसे क्या हालात हुए कि दुनिया को यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे बनाने की ज़रूरत पड़ी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वार टू द वर्ल्ड वार टू स्टार्टड इन सेप्टम्बर 1939 थर्टी नाइन एंड एंडेड इन आगस्ट नाइनटीन दूसरी जंग अज़ीम की शुरुआत सितंबर 1939 को हुई और यह जंग अगस्त 1945 में ख़त्म हुई आइए मुख्तर तौर पर जानते हैं कि इस जंग के दुनिया पर कौन से असरा पड़े कितनी तबाही हुई द वॉर टू ऑल्ड मिलियंस ऑफ पीपल है जंग दुनिया में बहुत बड़ी तबाही ले आई लाखों इंसान कत्ल किए गए और लाखों जख्मी हुए लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी तबाह हो गई दूसरी जंग अजीम की दुनिया की बहुत बड़ी ताकतों का आपस में टकराव हुआ इस जंग की तफसील के बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर हम इसके नतज की बात करते हैं इतनी बड़ी तबाही देखकर दुनिया के सारे लोग जंग से नफरत करने लगे वार व ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में जंग के ख़िलाफ़ नफ़रत उठ खड़ी हुई सो नेशंस ऑफ़ द वर्ल्ड कैम टुगेदर इन अप्रैल 1945 एंड आर्गनाइज द यूएनओ टू क्रिएट पीस इन द वर्ल्ड इस वजह से दुनिया की सारी कौमें इकट्ठी हुई और अप्रैल 1945 में यूएनओ की तंजीम बनाई इस तंजीम का मकसद था कि दुनिया में अमन कायम हो दुनिया के ममालक की आपस में फिर कभी लड़ाई न हो

दूसरे नंबर पर सिक्योरिटी काउंसिल तीसरे नंबर पर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल नंबर चार ट्रस्टीशिप काउंसिल नंबर पाँच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नंबर छः सेक्रेट्रेट आइए इनमें से कुछ अहम हिस्सों की बात करते हैं जनरल असम्बली इज द सेंट्रल एंड प्रिंसिपल आर्गन ऑफ यू एन ओ 193 हंड्रेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ईच मेंबर नेशन कैन सेंड इट्स फाइव रिप्रजेंटे जनरल बट ईच मम्बर नेशन हेज ओनली वन वोट यूनाइटेड नेशंस का सबसे अहम और मरकजी इदारा जनरल असम्बली है दुनिया के एक सौ तिरानवे मेंबर हैं हर मेंबर मुल्क अपने मुल्क के पांच नुमाइंदे जनरल असम्बली में भेज सकता है लेकिन हर मुल्क को एक ही वोट हासिल होता है जनरल असम्बली में मुख्तलफ अमूर पर वोटिंग होती है जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में वोटिंग होगी तो हर मुल्क का एक नुमाइंदा वोट डालेगा वो शख्स अपने पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करेगा दी अदर इंपॉर्टेंट आर्गन ऑफ द यू एन इज सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइट नेशन्स का दूसरा अहम इदारा सिक्योरिटी काउंसिल है इट इज़ मेडअप ऑफ फिफ्टीन मेम्बर्स सिक्योरिटी काउंसिल के पंद्रह मेम्बर होते हैं फाइव ऑफ दीज आर परमानेंट मेम्बर्स चाइना फ्रांस द यूनाइटेड किंगडम रशिया एंड द यूनाइट स्टेट्स इन पंद्रह में से पांच मेंबर दायमी मेंबर कहलाते हैं जिनमें चाइना फ्रांस यूनाइटेड किंगडम रूस और अमेरिका शामिल हैं ईच वन ऑफ दीज हैज़ अ वीटो इनमें से हर एक मुल्क के पास वीटो पावर है वीटो पावर क्या होता है इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी मुल्क अगर किसी मामले पर नो कहेगा तो उस मामले को रोक दिया जाएगा जिस वक्त तक किसी भी मामले पर ये पांच पाँच आपस में इतफाक न कर लें वो मामला आगे नहीं बढ़ेगा सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी दस मेंबर मुल्कों को दो साल के पीरियड के लिए चुना जाता है उनके लिए वोटिंग होती है द चीफ officer ऑफ of द un is इज़ द general जनरल ही appointed अपॉइंटेड फॉर फाइव by बाय द जनरल with विद approval of ऑफ़ द सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइट नेशंस का सबसे बड़ा ऑफिसर सेक्रेटरी जनरल कहलाता है जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी लेकर उसे पाँच साल के लिए अपॉइंट करती है इस तरह सेक्रेटरी जनरल पाँच साल के लिए काम करता है There is a staff of about 3500 people working directly under the secretary general in new york this data is from our textbook besides six main organs of the un there are several specialized bodies which are associated with the un bataye gaye 6 bade idaron ke ilawa kuch khas idare aur bhi hain jinka taluq united nations se hai हम इनमें से कुछ खास इदारों का जिक्र करेंगे जो इस टेक्स्ट में दिए गए हैं इंटरनेशनल बैंक द इंटरनेशनल बैंक लैंड मनी टू मेम्बर नेशंस फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस इंटरनेशनल बैंक अकवा मुतहदा के मेंबर मुल्कों को कर्जा देता है ये कर्ज़ा ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाता है जो आवाम की भलाई के लिए हों ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनसे लोगों को बिजली तालीम सेहत और दीगर सहूलियात मैसर हो जाए हेयर इज इन अदर आर्गन यूनिसेफ द यूनाइट नेशनस चिल्ड्रेंस एमरजेंसी फंड यूनीफ़ इज़ द फ्रेंड ऑफ़ चिल्ड्रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिसेफ तमाम दुनिया के बच्चों का दोस्त है दुनिया के किसी भी हिस्से में बच्चों पर कोई इमरजेंसी आ जाए तो यूनिसेफ उन बच्चों की आसानी के लिए काम करता है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ वटेड इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स बॉट इट बिकेम परमानेंट ऑन सेवनथ अप्रैल नाइनटीन फोटी एट टू वर्क ऑन इंटरनेशनल हेल्थ डब्ली एच ओ की शुरुआत उन्नीस सौ छियालीस में हुई लेकिन सात अप्रैल उन्नीस सौ अड़तालीस को ये दायमी इदारा बना इस तरह सात अप्रैल को पूरी दुनिया में सेहत का आलमी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पर मनाया जाता है लोकेट दी अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ हंगर दुनिया में किसी भी जगह भूख के मसले को ख़त्म करने के लिए एफ़ ए काम करता है इट हेल्प्स कंट्रीज टू इनक्रीज एग्रीकल्चरल एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ट्राइज टू एडवांस ह्यूमन वेलबींग थ्रू एजुकेशन साइंस एंड कल्चर तालीम साइंस और सकाफत से लोगों के हालात को बेहतर बनाना यूनीस्को का, का काम है